दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स, जिसे देखने के बाद आप खुद कहोगे कि आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, और इसे यूज करके आप अपने दोस्तों के सामने खुद को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट के तौर पर रख सकते हो। तो इस ट्रिक को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम लोग किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके नाम से फोल्डर नहीं बन सकता। जैसे इस फोल्डर को हम लोग रीनेम करें और वो नाम रखना चाहें, जैसे फर्स्ट नेम है कौन, तो आप देखोगे इस तरीके का मैसेज आ जाता है, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। और भी बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई फ्रेंड कंप्यूटर का ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो आप ये चीज़ें बता करके उन्हें गुमराह कर सकते हो, या फिर उन्हें बता सकते हो कि नहीं, आपको पूरी ज्ञान नहीं है। जो सेकेंड बात है वो है, आपका कंप्यूटर मेल है या फीमेल, आप ये कैसे पता कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये एक प्रोग्रामिंग है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा। ये प्रोग्रामिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड इसको आपको सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ, जिसका एक्सटेंशन होगा वो होगा VVS, ओके, एंड सेव। जब ये सेव हो जाएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग रन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जब आप रन करोगे तो आप इस पर कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो मैं हेलो लिखता हूँ, हेलो राज, एंड ओके क्विक क्लिक करो। हेलो राज, जो साउंड आएगा आप उससे चेक कर सकते हो कि वो मेल की है या फीमेल की है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर मेल है या फीमेल है। तो किसी भी फ्रेंड जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, आप उनके साथ प्रैंक कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि उनका एक्सप्रेशन क्या होता है ऐसे सॉफ्टवेयर को रन करने पर, ठीक है? और अपने आप को आप ये भी बता सकते हो कि नहीं, आप उनसे ज़्यादा जानते हो। उसके बाद जो थर्ड ट्रिक है वो है, आपका जो डेस्कटॉप है आप उसको किसी भी तरीके से उलट पुलट कर सकते हो। जैसे मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, कि हमारा स्क्रीन जो है रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए आपको की यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट प्लस एरो की, यानी कि जो भी एरो आपको पसंद हो उस एरो को दबाओ, एरो की को दबाओ, और आपका स्क्रीन उस तरफ से रोटेट हो जाएगा। ओके, ये था थर्ड ट्रिक। जो दोस्तों जो फोर्थ ट्रिक है, जैसे मान लो कि हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं और कभी भी बाय मिस्टेक कोई टैब कट जाता है, सपोज करो कि ये टैब कट गया और हमें ये टैब वापस चाहिए, तो जल्दी लोग वापस नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक शॉर्टकट ट्रिक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दबा दो, तो जो टैब आपका कटा हुआ था वो टैब आपका वापस ओपन होके आ जाएगा। जो फिफ्थ ट्रिक एंड लास्ट ट्रिक है वो है, जैसे यूट्यूब के लिए है, यूट्यूब के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे पाउज करने के लिए, चलाने के लिए हम लोग कर्सर यूज़ करते हैं। जैसे इस पर प्ले कर दिया तो ये वापस स्टार्ट हो गया, एंड इसको मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर मतलब एरो की का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, JKL। बहुत लोग इसके बारे में शायद पहले से जानते भी हों। तो जैसे के बटन की बात करें, तो के लिए आप क्या कर सकते हो, पाउज एंड प्ले के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि के बटन यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे L है तो L जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका वीडियो 10 सेकेंड फॉरवर्ड होते जाएगा। उसी तरीके से आप अगर J प्रेस कर दो तो आपका वीडियो जो है 10 सेकेंड बैकवर्ड चलता जाएगा। तो इस तरीके से कर्सर की बजाय आप कीबोर्ड की कीज यूज़ कर सकते हो। तो ये थे 5 टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स, जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और ऐसे ही कंटेंट डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और प्लस कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी ऐसे कंटेंट्स डेली देख पाएँ।